Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rights India. Thank you for watching. दोस्तों ये मेरा मुंबई टू उज्जैन सीरीज का तीसरा और फाइनल एपिसोड है जिसमें मैंने महाकाल के दर्शन किए हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आम रास्ता नहीं है, ये बड़ा ही अलग सा और खुफिया रास्ता है। सावन का महीना है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट ने मेन गेट जो गेट नंबर 4 है वहाँ की एंट्री बंद कर दी है। काफ़ी दूर का एक रास्ता है चार धाम मंदिर जहाँ से एंट्री दी है, तो जिसके कारण ही यहाँ से एंट्री लेनी पड़ी है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सारे रास्ते बंद है, आई डोंट नो ये कौन सा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं। बहुत पतली गलियों गुफाओं से होके आप तो खैर मेन रोड पे पहुंच गए, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई प्रॉब्लम होगा। चलो बट ये कौन सा रास्ता है, मैं 5 से 6 बार आया हूँ महाकाल के मंदिर बट ये रास्ते पे आने नहीं मिला है, ये भी कुछ नया एक्सपीरियंस। चलो हमको भी आशीर्वाद दिलाइए महाराज, हमको भी आशीर्वाद दिलाइए, दक्षिणा दीजिए। अरे दक्षिणा के बिना दिलाएंगे आप? अरे नहीं ना, बिल्कुल। तो फोटो ऑटोमेटिक खींच जाएगा क्या? बस कुछ नहीं करना है, वीडियो बन रही है। आप बताइए कहाँ से आए आप? यही उज्जैन से। उज्जैन से ही है, दर्शन तो करा दो कम से कम। दर्शन करवा दिए ना साहब, ये बताओ ये कितने का आता है? क्या करेंगे पैसा जान के? अरे जान के ये करेंगे कि हम भी रखेंगे जहाँ हम मंदिर में हाथी बांधते हैं वहाँ रखेंगे। 20,000 रुपए का बस, इतना बड़ा इतना छोटा सा 100-200 रुपए की चीज। 20,000 जमाना ऐसा महाराज, क्या करेंगे। सुना आपने, पंडित जी ने पोपट कर दिया 20,000 का कैमरा, क्योंकि वो छोटा सा है तो इनके हिसाब से वो 100-200 रुपए में आना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने देखी होगी तो पंडित जी को भी व्लॉग बनाना है अपने हाथी को रख के। वेरी गुड। चलिए ये हम जो चार धाम वाला इसका गेट की एंट्री है उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी, भीड़ को इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 4 नंबर के गेट से भी, जो मैंने बताया मेन गेट, वहाँ से भी कुछ एक लोगों की एंट्री ली और उसके बाद यहाँ से भी एंट्री चालू करी, क्योंकि बहुत दूर आना पड़ा है। सुबह के 10-10:30 बजे का टाइम था, तो काफ़ी लोग सुबह सुबह दर्शन करके जा चुके हैं और बाकी लोग इस टाइम पर आए हैं। इसके बाद पूरे दिन भर भीड़ बढ़ती जाएगी। मैं शायद सही टाइम पर निकला हूँ दर्शन करके। यहाँ 4 नंबर गेट से यहाँ तक आना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब शायद 2-3 किलोमीटर होगा और रास्ते के कारण समझ में भी नहीं आया। बट यहाँ पहुँचने के बाद हार्डली 15-20 मिनट लगे होंगे एंट्री से दर्शन करने तक एग्ज़िट करके। यह है गेट जिससे हम एंट्री लेने वाले हैं और आप ये भीड़ देख सकते हैं पीछे, काफ़ी सारे लोग हैं। दो अच्छी चीज़ यहाँ पे यह है कि ऑलमोस्ट सबने मास्क लगाया हुआ था, एटलीस्ट मंदिर के पास मुझे बिना मास्क वाला कोई नहीं मिला। भीड़ भी काफी वेल मैनेज थी। सावन का महीना, महाकालेश्वर का मंदिर, महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 में से एक ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन में है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर भी है, वो एक और ज्योतिर्लिंग है, बट मैं वहाँ नहीं जा पाया। आपको आगे मैं बताता हूँ वहाँ पर मैं क्यों नहीं जा पाया। पर महाकाल के मंदिर में पहले भी आ चुका हूँ और फिर से आया हूँ। आप अगर अंदर भी देखेंगे तो पुलिस भी काफ़ी थी, काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया था। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ऐसे टाइम पे काफ़ी अलग अलग मंदिरों में गया हूँ जब उनके फेस्टिव सीज़न आता है, तो
बहुत अच्छे से मैनेज नहीं होता है, तो ऑल क्रेडिट टू एमपी पुलिस, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको मैनेज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस है, हर जगह आप जाएंगे तो पुलिस आपको मिलेगी, और लोग भी बहुत डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अब आप मेरे राइट साइड में अगर देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का, जैसा ये गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में है, ये दूसरा मैं भी पढ़ नहीं पाया कहाँ पे है, ये तीसरा मध्य प्रदेश जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, चौथा फिर से मध्य प्रदेश जो कि मैंने आपको बताया ओमकारेश्वर, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो कि भीमा शंकर है, गया नहीं हूँ वहाँ, ये तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है उसके पिक्चर्स हैं, महाराष्ट्र में नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर, इसके ऊपर भी मेरा एक व्लॉग है उस पर, केदारनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का पिक्चर्स या उसका आर्ट बना हुआ है यहाँ पे, और जो टीवी चल रही थी आपने देखा वहाँ पे लाइव जो अंदर आरती चल रही है वहाँ से दर्शन मिल रहे हैं। ये है मंदिर का प्रिमाइस या मंदिर किस तरीके का बना हुआ है वो, जय महाकाल। अब यहाँ से हमको अंदर जाने मिलेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सावन का महीना था तो आपको शिवलिंग के नज़दीक जाने नहीं मिलता है, दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। यस, तो दोस्तों मैं भी 670 किलोमीटर की बाइक राइड करके आया था, मैंने भी दूर से दर्शन किए, आप सिर्फ ये 15 मिनट का व्लॉग देख रहे हैं तो बिल्कुल भत्ता है। मंदिर के अंदर जाने के बाद भीड़ बहुत थी और लग रहा था शायद ठीक से मैनेज नहीं हो पा रही है, बिकॉज जब लोग अपने भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो किसी पुलिस वाले की नहीं सुनते हैं, यहाँ पे ये समझ में आ रहा था। फिर भी दूसरे मंदिरों से इस तरीके से जब बहुत हाई टाइम होता है या पीक टाइम होता है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मैनेज था। यहाँ पे पुलिस वाले ने 2-3 बार मेरा कैमरा बंद भी करवाया, बट एक्शन कैमरा है, छोटा सा है, तो आप चालू करके कब हाथ में पकड़ रहे हैं उनको एक्चुअली पता नहीं चला, तो मैं यहाँ से शूट कर पाया। अदरवाइज़ पुलिस वालों ने काफ़ी बार बंद करवाया, जैसे ये मोबाइल आपने देखा होगा, ये मोबाइल पे कैप्चर कर रहे थे, कुछ एक लोग मोबाइल पे कैप्चर कर रहे थे, बार बार पुलिस वाले आके या मोबाइल छीन रहे थे या कैमरा। ये जो मेन आपको दिख रहा है ये वो जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता था, यहाँ पे जो अंदर आपको पुजारी लोग दिख रहे हैं वहीं पे ज्योतिर्लिंग है, और अब देख रहे हैं पुलिस वाले लोगों से कैमरा छीन रहे हैं, कैमरा हटा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप शूट भी नहीं कर सकते थे। ये देखिए, ये जो मैडम आई थी मेरे पास ये मोबाइल के लिए या कैमरे के लिए मना करने ही आई थी, तो मुझे अपना मोबाइल निकालना पड़ा था। दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से, अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। यहाँ से वापस निकलते टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि तकरीबन 11:30 या 12 ही बजे थे और मैं शहर में आ चुका हूँ। तो मैं कल के दिन मैं आया था 670 किलोमीटर गाड़ी चला के, तकरीबन 13 घंटे मुझे लगे थे, रात में मैं सोया, सुबह उठा, मैंने दर्शन किए और यहाँ पे मुझे लगा कि शायद अब थोड़ा सा घूमने के बाद मेरे पास टाइम है, मैं यहाँ से अकेला निकल सकता हूँ। तो जब आप सोलो राइड पर जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, किसी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो मेरे साथ कोई और पार्टनर होता तो शायद मुझे सोचना पड़ता कि 670 किलोमीटर हम गाड़ी चला के आए हैं या वो बंदा भी 670 किलोमीटर गाड़ी चला के आया है, आज वापस चला पाएगा कि नहीं। ये मंदिर का पूरा प्रमाइस है, वापस कवर करते करते यहाँ रुकने नहीं दिया इन्होंने, काफ़ी भीड़ है, कितनों को रुकने देंगे वो समझ में आता है। यहाँ पे भी शूट बहुत ज़्यादा नहीं करने दे रहे थे, ये हर कदम पे लोगों को मना कर रहे थे। आई थिंक लोगों को मना करने का कारण ये था बिकॉज लोग मोबाइल लेके सेल्फी कैप्चर करने लग जा रहे थे, फिर भीड़ बढ़ रही थी जिसके कारण इन्होंने मना किया यहाँ पे कि आप पिक्चर नहीं ले सकते हैं, फोटो नहीं खींच सकते हैं।
मेरे दर्शन तो हो गए महाकाल के, 15 से 20 मिनट का टाइम लगा जो कि उम्मीद थी, या लोगों ने बोला था शायद 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो अच्छी किस्मत है दर्शन बहुत जल्दी हो गए, जय महाकाल, महाकाल के मंदिर से वापस। ये उज्जैन में आपको बहुत अच्छी एक फेमस चीज़ है भांग, जो कि उज्जैन में आपको जगह जगह पर मिलेगी। इसकी ठंडाई में इसको मिला के इसको इमीडिएट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ये जो सामने बकेट रखा है या बाल्टी है उसके पीछे ही वो भाई साहब भांग घोट रहे हैं, तो इतना ही मैं कैप्चर कर पाया। ऐसी बहुत दुकानें मिलेंगी आपको, और जहाँ जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ जहाँ पे भी शिव जी के मंदिर हैं, उसके आसपास आपको भांग की दुकानें बहुत मिलेंगी। दोस्तों ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे आगे देखिए, इस व्लॉग में काफ़ी कुछ बाकी है। महाकाल के दर्शन हो गए और होटल से कुछ थोड़ा सा पंगा था जिसके चक्कर में आज मेरे को होटल खाली करना था, और फिर दर्शन तो हो ही गया तो मैंने सोचा कि आज यहीं से वापसी कर लेते हैं। अभी हो रहे हैं दिन के 1:20, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 13 से 14 घंटे 13-14 hours का ट्रैवल है। तो दिस क्लियरली मीन्स कि मैं रात के 2 से 3 अपने घर पहुंचूंगा। जैसा कि आपने सुना, मैं रात के 2 से 3 अपने घर पहुंचूंगा, तो पेट्रोल डलाना, पेट्रोल टैंक फुल करवा के चलना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। तो ये पहुंच गया हूं मैं पेट्रोल पंप, और यहां पे देखते हैं। फुल कर दे भाई। नहीं नहीं भाई, ये आपके इंदौर में जैन में वैसे ही खून पीने जैसा रेट हो गया है। एमपी में, महाराष्ट्र से भी महंगा यार। हाँ, कारण कोई नहीं है, मामा कुछ नहीं कर रहे हैं आपके। दोस्तों एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पेट्रोल मेरी इन्फॉर्मेशन में शायद सबसे ज़्यादा महंगा है, कहीं और होगा तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे 110 रुपये से ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। अगर आप बॉम्बे में आएंगे तो बॉम्बे में पेट्रोल 107 रुपये के आसपास है, जो कि बाकी स्टेट से वैसे ही बहुत महंगा है। मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ से मेरे ख्याल से 6 से 7 रुपये महंगा है बॉम्बे में पेट्रोल वैसे ही, बट अगर आप एमपी आएंगे तो पेट्रोल बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ से हमने हमारा सफ़र वापस शुरू किया, निकलना है मुंबई की तरफ। सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन 660 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, मैं सिर्फ 10 किलोमीटर बाहर आया हूँ। दोस्तों अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उसमें मैं एक चीज़ इंश्योर करता हूँ कि मैं आपको अपने साथ सफ़र के खूबसूरत नज़ारे ज़रूर दिखाऊँ। एक ये देखिए, है ये भी एक घाट, मुझे इस घाट का नाम नहीं पता है, बट जब भी आप ऐसे रास्तों से गुजरेंगे आपको मज़ा बहुत आएगा। ये उतने ही रिस्की होते हैं, बट अगर आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं, ठीक से चला रहे हैं, पूरे ध्यान के साथ चला रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, सफ़र जो है मेरे हिसाब से वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, कम तो बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही कम लोग जवाब दे पाए कि ये जहाँ मैं रुका हूँ जिस ढाबे में, ये सनसेट का टाइम है या सनराइज़ का टाइम है, मतलब सूरज डूब रहा है या सूरज उगने वाला है, सुबह का टाइम है शाम का टाइम है। अगर आपको पता है तो आप बताइए ज़रूर कमेंट करके, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो हिट ऑन द लाइक बटन। यहाँ से धूले है 100 किलोमीटर। ऐसा नज़ारा दोस्तों, आप अगर इस व्लॉग को लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, व्लॉग को हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, और मैं आपके साथ उन सबको हर हफ्ते एक नई राइड पर लेके जाऊंगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मिलेंगे नए व्लॉग के साथ एक नए सफ़र पे। थैंक यू।